मैं पूरे देश में जाऊंगा बीजेपी को हराने के लिए। इसी के राम राज पे क्या कहेंगे? यूपी में राम राज नहीं है, यूपी के अंदर जंगल राज है, ठोको वाली राजनीति चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, किसानों की आवाज को कुचल रहे थे, अब किसानों को कुचल रहे हैं अहंकार। तो ये इसको रामराज, अगर रामराज ये है तो फिर क्या है? रामराज ये नहीं, रामराज में सारे लोगों को समान समान इज्जत मिली है, सबके साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाता है। ये तो गुंडागर्दियाँ हो रही है। गठबंधन से क्या कहेंगे? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गठबंधन तो कमजोर लोग करते हैं। हाँ, कितने कितनी पार्टियों का गठबंधन इनका है, रोज पीछे भाग रहे हैं। और कम से कम कई पार्टियों, मतलब मेरे पास गिनती ने 25-30 पार्टियों का गठबंधन करके मोदी जी चुनकर आए हैं। जो हम ख्याल लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हमें कोई बहुत ज्यादा गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक पहले से मौजूद है। क्या रहेगा 2022 में? 355 सीट तो अब तक हो चुकी है, अब 400 तक जाना है। मुंबई ड्रग मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुंबई का ड्रग मामला जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान को उसका बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। कहीं उसको धर्म बदलने के नाम पर पकड़ा जा रहा है, कहीं उसको ये कहा जा रहा है, एक बीजेपी खुद ही दो हिंदुओं को बिठा करके बात कराती है और कहती है एक मुस्लिम जो है हिंदू को मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की रैली में भेज करके वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है और कहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, और खुद करती है, ये सारा काम बीजेपी कर रही है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या मुसलमान हो या दलित हो, उनको बदनाम कर रही है। और जो हिंदू मुस्लिम एकता देश में सदियों से पुरानी हमारी एक रवायत रही है, उसको तोड़ना चाहती है। इनके पास कोई भी विजन नहीं है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके समझते हम जीत जाएंगे, इसलिए वो ये कर रहे हैं। क्या ये चुनाव में और अधिक वकीलों का जो है यूपी में सरकारी वकीलों का सबसे बड़ा वकील बनाया गया, एडवोकेट जनरल सफरयाब जिलानी को बनाया गया, लैपटॉप दिया गया, शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान को भी फंड दिया गया बाउंड्री के लिए। किसने दिया आज तक? मुझे गिना दे, बता दे कोई इस देश के अंदर, तो मैं उनके साथ खड़े होकर के काम करने को तैयार। बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों माइनॉरिटी को ठगा। बीजेपी ने ठगा, बीजेपी तो ठगी रही है। बीजेपी तो माइनॉरिटी को पूरे आंग नहीं भाती है, बीजेपी माइनॉरिटी को खत्म कर देना चाहती है। और ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर माइनॉरिटी का हक को छीन लेना चाहते हैं। क्या इंटॉलरेंस की स्थिति है देश में? नहीं, देखिए ऐसा है कि इंटॉलरेंस तो नहीं हो, इंटॉलरेंस तो हम मंतुक टॉलरेंट कर रहे हैं, कोई उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से यहाँ की मेजोरिटी को बताना चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, उससे ज़्यादा मेजोरिटी को परेशान कर रही है। आप रेलवे बिगड़ा है, रेलवे माइनॉरिटी के लोग 2% काम करते हैं, 98% नॉन मुस्लिम काम करता है, उसकी नौकरी जा रही है, उसको एक ख्याल करना चाहिए। वो हमारे देखिए हमारी देखी देखा कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक हम लोगों ने जिस तरह काम किया ना, हमारे कामों की नकल कर रहे हैं लोग। आज तो अब तक तो किया नहीं, और जमीन खिसक रही है, तो अखिलेश जी के कामों की नकल की जा रही है।